गए हैं अनुज। 341 करोड़ का प्रॉफिट आया, 350 करोड़ का अनुमान था, ध्यान रखिएगा। तो प्रॉफिट क्लियरली उतना बढ़ा नहीं है जितना हम चाहते थे, लेकिन 292 करोड़ से बढ़कर ये 341 करोड़ पर आया है। रेवेन्यू का जो फिगर है वो करीब करीब 2835 का अनुमान था, उसके सामने कंपनी ने क्या किया है डिलीवर, वो भी आपकी स्क्रीन पर हो जाएगा फ्लैश। 2815 करोड़, तो 20 करोड़ का मिस उस लिहाज से अगर आप देखें। अब देखना ये होगा कि कंपनी मार्जिन्स के फ्रंट पर क्या डिलीवर करती है। ध्यान रखिएगा, इस बार ही हम एक्सपेक्ट ज़रूर कर रहे हैं कि कंपनी के मार्जिन्स कुछ बेहतर हो सकते हैं। 17% के आसपास का अनुमान है, जो पिछले क्वार्टर में करीब 15.3% के थे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्या वॉल्यूम्स में पिकअप देखने को मिलेगा। नॉर्मली ये जो विंटर वाला क्वार्टर रहता है, जो Q4 रहता है, उसमें हनी और दूसरे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती है, तो उस लिहाज से वो वॉल्यूम्स में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। लेकिन क्या वो 3 से 4% तक की वॉल्यूम ग्रोथ आएगी या नहीं, उसका इंतजार रहेगा। फिलहाल ऑन द फेस ऑफ इट कंसोलिडेटेड आया, आप कह सकते हैं रफली मीट करी एक्सपेक्टेशंस को, और 341 के सामने 341 डिलीवर किया है 350 के सामने। ओके, एक बार जरा इसका चार्ट देख लेते हैं डाबर का, एक साल का। बहुत टाइम से हमने स्टॉक की बात शायद करी नहीं है, और कुछ ही देर में अगर मैनेजमेंट जुड़ेगी उनसे भी बात करेंगे। नंबर्स मोर और लेस इन लाइन है, और इसकी बात हमने क्यों नहीं की है, ये आपकी स्क्रीन पर चार्ट देखिए। 12 महीने में कुछ नहीं किया है स्टॉक ने, क्योंकि इसके नंबर्स भी इसी तरीके से रहे हैं। ये स्टॉक में थोड़ा वैल्यूएशन कम्फर्ट है हालांकि कंपेयर टू अदर्स, लेकिन पंकज डाबर कोई व्यू आपका? ऑब्वियसली इन नंबर्स पर तो व्यू नहीं मांगूंगा आपसे, अभी आपने देखे नहीं होंगे, लेकिन ओवरऑल स्टॉक पर कोई व्यू? आई थिंक अनुज, ओवरऑल अगर आप FMCG एज अ पैक देखें तो बहुत मुश्किल है इन कंपनीज के लिए डबल डिजिट टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन जनरेट करना, लार्जली बिकॉज एक तो प्राइसिंग ग्रोथ है कंपनीज ने काफी अग्रेसिवली ली थी, उसके बाद में इनका जो मार्जिन तो डेफिनेटली सुधर गया, बट वॉल्यूम ग्रोथ कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो गया। अगर अभी आगे जाके ऐसा लग रहा है कि कंपनीज प्राइसिंग थोड़ा रैशनलाइज करेंगे या मेजर्ड वे में हाइक करेंगे, बट कॉम्बिनेशन अगर प्राइस एंड वॉल्यूम का देखेंगे तो डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ किसी भी कंपनी का निकल के नहीं आता, एक्सेप्ट फॉर टाटा कंज्यूमर। आई थिंक वहां पे फूड बिजनेस है जो कि बेटर ग्रो कर रहा है, अदरवाइज FMCG कंपनी से मैं कुछ खास परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं करता हूं। तो आई डोंट थिंक कि आपको अगर पोर्टफोलियो में आउट परफॉर्मेंस के हिसाब से देखना है तो ये स्टॉक्स देखने चाहिए। फिलहाल पिछले एक साल से तो खैर जीरो आउट परफॉर्मेंस है, आगे भी शायद ना हो। गाबा सर कोई व्यू बनता है या फिर छोड़ दें स्टॉक को? छोड़ देना चाहिए, 10,200 तक जा सकता है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अब दो दिन से साइडवेज मूव है, अप ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है डाबर का। गाबा सर डाबर की बात हो रही है आप? हाँ डाबर की बात कर रहा हूँ, सॉरी अल्ट्राटेक से मैं देख लिया मैंने, सॉरी डाबर अपो है यहाँ पर 510 का स्टॉप, डाबर चले 525 पॉसिबल है, सॉरी माफी चाहता हूँ। आपने कुछ कई सारे लोगों को खुश कर दिया कि डाबर आपको 10,000 तक जाता दिख रहा है, लेकिन है वो 513 पर। अच्छा, एबिटा का आंकड़ा आ गया है, 410 करोड़ से बढ़कर 467 करोड़ का एबिटा कंपनी ने डिलीवर किया है। और जो मैं मेंशन कर रही थी कि मार्जिन 17% की रेंज में तो आ ही रहे हैं, 16.9% के सामने 16.6% के आसपास का फिगर आया है, और एबिटा परफॉर्मेंस 467 करोड़ का, 480 करोड़ के आसपास का अनुमान था। चार्ट्स पर कुछ नया हो सकता है क्या इसमें? ये गाबा जी ने कहा कि नहीं, तो और फंडामेंटल भी पर्सपेक्टिव है नहीं, तो रहने देते हैं अनुज, वैसे कुछ है नहीं, अनलेस कंपनी का मैनेजमेंट आके कुछ और बयान दे और वो वॉल्यूम के आंकड़े में कुछ पिकअप आए। प्लस इसमें क्या होता है ना, आज तक इसमें मूव्स बहुत रैंडम होते हैं, कभी एक जैसे कोई मूव टिकता नहीं है, तो इसके लिए रहने ही देते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं मेरे ख्याल से।